सीरियल सौरागनि में बहुत सारा ड्रामा और ट्विस्ट आने वाला है। ये शो शुरू हुआ था शर्मिष्ठा और शेखर के इनकम्प्लीट लव स्टोरी से, जहां फिर स्वरा और रागनि ने इन दोनों को मिलाकर इनकी शादी करवाई। स्वरा और रागनि के रिश्ते में बहुत बार दरार आई, जिसके बाद रागनि लक्ष्य की पत्नी बनी और स्वरा संस्कार की पत्नी बनी। आखिर दोनों बहनें कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते थे? दोनों ने आपसी मनमुटाव को सुलझाकर फिर अपनी दोस्ती की एक नई शुरुआत की। पर सीरियल में एक ट्विस्ट आया जिसने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी। स्वरा की मौत हो गई और जिससे संस्कार को बड़ा सदमा लगा, लेकिन उसको विश्वास था कि स्वरा लौट कर आएगी और ऐसा ही हुआ। कॉम्प्लिकेशंस तो तब बढ़ी जब स्वरा की याददाश्त खो गई और उसकी नजर में उसका पति संस्कार दुश्मन बन गया। वेल, हमने आपको पहले ही खबर दे दी थी कि संस्कार किशन का अवतार लेकर स्वरा को पाने की कोशिश करेंगे, जिसमें उसकी मदद लक्ष्य करेगा। इस तरह स्वरा और किशन की दोस्ती भी हो गई। इन दोनों की दोस्ती से साहिल को बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उसे स्वरा से प्यार हो गया है। हमने आपको ये भी बताया था कि रागनि प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक कर रही है। दूसरी तरफ शर्मिष्ठा सच में प्रेग्नेंट है, पर शर्मिष्ठा को सोसाइटी की इंसल्ट सहनी पड़ रही है। सबका मानना है कि जिस उम्र में शर्मिष्ठा को अपने पोते पोतियों के साथ खेलनी चाहिए, उस वक्त वो प्रेग्नेंट है। अपकमिंग एपिसोड्स में शर्मिष्ठा का दूसरा रंग हमें देखने को मिलेगा, जहां वो रागनि को अपना बच्चा अडॉप्ट करने के लिए ब्लैकमेल करेगी। शर्मिष्ठा ऐसे इसलिए करेगी ताकि वो सोसाइटी की इंसल्ट से बच सके। तो आपको सीरियल में ये नया ट्विस्ट कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए हमें बताइए। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चैनल।